इसका भी आप लोगों ने सुपर फास्ट एनिमी देखी हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एनिमी दिखाने वाला हूँ जो कि भैया मेरे गेम प्ले पे आया था, और भाई साहब इतना फास्ट है ना वो वाला एनिमी कि भाई तुम लोगों को भी लगेगा कि भाई दया कुछ तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। मतलब तुम लोग बस देखते रहना। ओके, आज किस वाली गेम प्ले पे भाई पूरा पूरी भसड़ होने वाला है। और वो जो एनिमी है वो भाई साहब एनिमी मतलब मैं जब देखा ना मैं खुद ही अक्का बक्का रह गया यार कि भाई क्या है, क्या ये एनिमी है ना। तो बस देखते रहना यार गेम प्ले पूरा एंड तक। ओके, अब देखो यार आ चुके गए फिलहाल तो फैक्ट्री पे, उधर तक मेरे को एक एम वेके मिल जाता है, और उधर से मैंने इस वाले भाई सब को निपटा दिया जिसके हाथ में कल्चर होता है, और तभी उसका टीममेट भी आ जाता है तो उसको भी निपटा देता हूँ बहुत ही प्यार से, और इन दोनों बंदों को निपटा देता हूँ बहुत ही प्यार से। और यहाँ पर मैं लूटा लड़ी कर लेता हूँ, और उसके पास जिसके पास एस्ट्रॉल के था उसका भी चलो एस्ट्रॉल के ले लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने एस्ट्रॉल के भी ले लिया। अब गाइस देखते रहना आज किस वाली गेम प्ले पे, दो दो गेम प्लेस होने वाला है और गेम प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी होने वाला है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, जो जो भाई लोग सोच रहे हैं कि भैया जी चिकन डिनर मिलेगा आप उनको, तो ऐसा मत सोचो क्योंकि आज किस वाली गेम प्ले पे मेरे को चिकन डिनर तो नहीं मिलने वाला है, बट किल्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हाँ, थ्रिल एंड एडवेंचर भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो बस देखते रहना। और हाँ, एक्शन तो भरपूर मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरा गेम प्ले मतलब ही एक्शन भाई साहब, मतलब मेरे गेम प्ले पे एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। और यहाँ पर देखो फिलहाल तो फैक्ट्री पे दोनों बंदों ने निपटा दिया, और एक बॉट भाई साहब आ चुका था तो उसको भी निपटा देता हूँ बहुत ही प्यार से। उसके बाद मैं थोड़ा सा लूटा लाड़ी करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर फैक्ट्री पे कोई भी बंदा नहीं है, तो यहाँ पर मैं सीधा लूटा लाड़ी करूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अगर अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे तो अभी के पीछे आओ वीडियो को लाइक मार दो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही सुपर फास्ट एनिमी जिसका गोली भाई साहब मतलब क्या ही बोलूँ, उसको सारा गोली चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ा यार, दो तीन गोली में ही अपन को टपका दिया, अब क्या ही बोलूँ। बाकी बस देखते रहना। बाकी देखो उसके बाद मैं सीधा आ चुका था इस वाले ड्रॉप को लूटने के लिए, और इस वाले ड्रॉप को मैं जैसे लूटता हूँ तो देखता हूँ इस वाले ड्रॉप पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं था, मेरे को एडम नहीं मिला। उसके बाद मैं सीधा जीबी पर यहाँ से निकलने वाला होता हूँ, कभी कुछ बंदे मेरे पे फायर करते हैं, और यहाँ पर देखना दोनों बंदों को कैसे निपटाते हैं। और इन दोनों बंदों को बहुत ही प्यार से निपटा देता हूँ, निपटा देगा इसमें। यहाँ पर थोड़ा सा लूटा लड़ी करता हूँ और मतलब थोड़ा सा हीलिंग करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उनके क्रेट्स को लूटूंगा, उसके बाद मैं सीधा यहाँ से निकल जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूटा लाइट करता हूँ, उसके अंदर सीधा जीपी पोड़ता हूँ, इससे निकलने वाला होता तो ये टारसे वाला भाई साहब। अब देखना भाई साहब मतलब इसका मूवमेंट तुम लोग बस देखते रहना, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया कुछ भाई साहब, मैं गाड़ी के अंदर ही था लेकिन पता नहीं दो तीन गोली चलाई उसने और मेरे को इतना ज़्यादा तगड़ा वाला डैमेज हुआ, और पता नहीं क्या था यार, मतलब मेरा हेल्थ तो फुल ही था यार, फिर भी उसने दो तीन गोली चलाई और मेरे को इतना तगड़ा वाला मतलब डैमेज हो गया। अब क्या ही बोलूँ यार, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता यार कि मैं दो तीन गोली चलाऊँ और सामने वाला बंदा टपक जाए, ऐसा अगर मेरे साथ होता तो भैया जी मज़ा आ जाता ना। बाकी आ चुके हैं इस वाली गेम प्ले पे, इस वाली गेम प्ले उतर चुका था पायलट प्लाजा पे, उतरते ही देखो एक बंदे को मैंने निपटा दिया, और देखो कितने सारे गोलियां चलाना पड़ता है मेरे को, है ना। लेकिन जब मेरा बारी आता है तब भाई साहब एनिमी दो तीन गोली चलाता है और मैं टपक जाता हूँ, अब क्या ही बोलूँ। बाकी देखो इसको तो निपटा देता हूँ, इसका टीममेट अभी भी जिंदा है जो कि मेरे पे रस बोलने के लिए आ रहा था भाई साहब। देखो फाइनली उसके टीममेट को भी निपटा देता हूँ, और देखा
इन वाले भाई साहब ने भी एक गोली चलाया और मेरे को कितना तगड़ा डैमेज हुआ, मतलब क्या ही बोलूँ यार। मतलब मेरे को जब मारता है तभी डैमेज होता है, लेकिन मैं जब मारता हूँ तब नहीं डैमेज होता, क्या ही बोलूँ यार। बाकी इस वाले भाई साहब के पास एस्ट्रल पे था तो मैंने एस्ट्रल पे उठा लिया, ठीक है। अब एस्ट्रल को उठाने के बाद मैं सीधे यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे लगा कि भैया जी पायलट प्लाजा पे कोई भी बंदा नहीं होगा, लेकिन गाइस अभी भी पायलट प्लाजा पे बहुत सारे बंदे हैं, तो बस देखते रहना, सभी को मैं निपटाने वाला हूँ। अब देखो नीचे से मेरे को फुटस्टेप आ रहा था और फुटस्टेप तगड़ा वाला आ रहा है, तो बंदा सामने ही कहीं पर होगा। अब मैं जैसे ऊपर में पहुँचता हूँ यहाँ पर, मैं सोचता हूँ नेड वगैरह करते हैं, तभी बंदा नीचे कूद जाता है और यहाँ पर मेरे को तगड़ा वाला डैमेज हुआ खुद के ही नेड से। अब वो जो बंदा है वो मेरे पे रजमोन ले वाला है, लेकिन फाइनली इसको निपटा देता हूँ। और निपटाते इसको मैं फुल फिनिश भी कर देता हूँ। फुल फिनिश करने के बाद किसी यहाँ पर ब्लूट वाला डिकल लेता हूँ और यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। अब इसका टीममेट पता नहीं कहाँ पर छुपा हुआ होगा, तो उसके टीममेट को भी मेरे को खोजना पड़ेगा और इसके टीममेट को भी मेरे को निपटाना पड़ेगा, इसीलिए मैं गाइस यहाँ पर थोड़ा सा लूटा लाटी करता हूँ। उसका मतलब सोचता हूँ चलो यहाँ से निकलते हैं। देखा मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब मेरा बारी आएगा तब ये काम नहीं करेगा। मतलब आप लोगों ने देखा कितना सारे एस्ट्रल के का गोली मारा मैंने, कम से कम 8 गोलियां चिपका दिया, लेकिन मरा नहीं यार। अब क्या ही बोलूँ यार, मतलब गुस्सा भी आता है यार कभी कभी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना। बाकी यार कोई बात नहीं, मैंने निपटा दिया सभी को, 4-4 बंदे को यहाँ पर निपटा दिया पायलट प्लाजा पे। उसके बाद मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं जैसे पहुँचता हूँ ना तो देखता हूँ यहाँ से तो गाड़ी लेके कोई भाग चुका है भाई साहब, गाड़ी भी लेके कोई भाग गया। अब यहाँ पर मेरे को स्कीवी करके जाना पड़ेगा उधर की तरफ, और देखो फाइनली यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ स्कीवी करके, और यहाँ पर मेरे को बाइक मिल जाता है। उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पर इस वाले बगी को लेने के लिए, और ये वाला बगी पे चढ़ता हूँ। तो भाई साहब ये वाला बगी चल ही नहीं रहा, अब चल तो नहीं रहा। उसके बाद देखो फिर से मैं देखने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ भाई साहब इसका तो भाई वो ड्राइव वाला आइकन ही नहीं आ रहा। अब ये जो सीन हुआ ना मेरे साथ कि मेरे को गाड़ी का ग्लिच हो गया, अब इस वाले ग्लिच के लिए देखना मैं कितना बड़ा मौत मरने वाला हूँ। मतलब अगर वहाँ पर मैं टाइम पे गाड़ी पे बैठ जाता तो शायद यहाँ पर मैं नहीं मरता। गलत सीन हो गया, क्या ही बोल सकता हूँ।